Okay then, good morning everyone once again. So in the last class where we have left was हमने second unit start कर दिया था और second unit के हम first chapter पर थे, first topic पर थे जो था fiscal policy, I think the government and the fiscal policy, and we have discussed the equilibrium in the economy. This was the table we have made in the last class, and we have seen when there will be an equilibrium and when there is disequilibrium, what will be the situation. So today we'll proceed further. This is the equilibrium that we have seen through the aggregate demand, aggregate expenditure approach, you know, or income expenditure approach. Now there is one more approach, something called saving investment approach. एक और टॉपिक भी है इसमें जिसको हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं. यस, जिसको हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेम यही टेबल काम कर जाएगी हमारी. सिर्फ हमें देखना क्या है कि जिस टाइम जिस पॉइंट पर एट इक्विलिब्रियम इनकम इक्वल्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और वी कैन राइट जो इनकम होता है दैट कैन बी आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड और कैन बी और टैक्सेस कैन बी पेड आउट ऑफ दैट. कि जो इनकम होती है या तो उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं या उस इनकम को हम सेव कर लेते हैं या उससे हम टैक्सेस पे करते हैं. यस और नो? हेलो स्टूडेंट. यस सर. यस सर. ठीक है. और जो एक्सपेंडिचर है उसको या तो हम कंजम्पशन गुड्स पे करते हैं या इन्वेस्टमेंट गुड्स पे करते हैं या गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करती है. तो इस टेबल को अगर हम देखते हैं और हम इस टेबल के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो अगर हम देखें तो दिस सी विल कैंसिल आउट विद दिस सी एंड वी विल हैव सेविंग्स प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सो दिस इज व्हाट इट मींस. और दिस कैन बी फर्दर इंटरप्रेटेड एज, इसको आगे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस जी माइनस टी. अगर टी को इधर ले आए तो आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो सेविंग्स होती है इकोनॉमी की, जो नेशनल सेविंग्स होती हैं, उनको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं. एक तो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हैं और दूसरा ये क्या है, गवर्नमेंट डेफिशिट या बजट डेफिशिट कह लीजिए, या आप कह लीजिए बजट डेफिशिट यू कैन से. बजट डेफिशिट के फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं. बजट डेफिशिट क्या मतलब क्या हो गया कि अब इसमें इसके तीन सिचुएशन हो सकते हैं, यानी कि जी माइनस टी से तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है. वो क्या है, लेट अस ट्राई एंड सी दैट. जी माइनस टी क्या हो सकता है, अगर जी ज्यादा है टी से, यानी कि स्पेंडिंग ज्यादा है टैक्सेस से या टैक्स रेवेन्यू से, तो उस केस में डेफिशिएट हो जाएगा. और अगर स्पेंडिंग कम है टैक्सेस से, यानी कि जी कम है, इसको मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए एक बार क्लियर क्लैरिटी के साथ, इसको हम इस तरह से बना लेते. ये है, इसमें फर्दर तीन सिचुएशन हो सकती हैं. जी इज ग्रेटर देन टी, तो जब जी ग्रेटर देन टी होगा तो डेफिशिएट हो जाएगा. ठीक है. दूसरा हो सकता है जी इज लेस देन टी,
जी लेस देन टी है तो सरप्लस हो जाएगा, और तीसरा हो सकता है जी इक्वल्स टू टी, अगर जी इक्वल्स टू टी है तो बैलेंस्ड हो जाएगा, यानी कि ये बैलेंस्ड बजट हो गया, ये डेफिशिएट बजट हो गया, सरप्लस बजट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सेविंग्स है, सेविंग्स जो होती है, नेशनल सेविंग्स जो होती है, उसको दो तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है या यूटिलाइज किया जाता है इकोनॉमी में, कि उससे या तो इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट किया जाता है इकोनॉमी में, या फिर बजट डेफिसिट जो होता है उसको कंपनसेट करने के काम आती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो 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 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही है। बाकी सबको आ रही है? किसी की और की आवाज नहीं आ रही सिर्फ सिवाय लालू के? यस, यस सर, आर यू ऑल देयर इन द क्लास? यस सर, कोई डाउट, कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड जितना अब तक हमने पढ़ा है? इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हो? नो सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। हम मल्टीप्लायर इफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी। अब मल्टीप्लायर क्या होता है कि देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एट इक्विलिब्रियम, मल्टीप्लायर को समझने की कोशिश करते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? वाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, यस और नो? ये सिचुएशन हम लेते हैं, और वी कैन राइट इट वाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल को समझ रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल के अकॉर्डिंगली हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंसिडर करेंगे। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज कंजम्पशन इज सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी प्लस आई इज आई इट सेल्फ एंड जी इज जी इट सेल्फ, और मीन्स दे आर कंसिडर्ड टू बी द ऑटोनोमियस पार्ट, यू नो, इनको भी ऑटोनोमियस कंसिडर किया गया। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, सपोज हमने ले लिया, सपोज हमने लमसम टैक्स ले लिया, लेट्स अज्यूम लमसम टैक्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, यू नो, लेट्स अज्यूम द लमसम टैक्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि जो मॉडल आपके एग्जाम के लिए ये दिया हुआ है इसमें, उसमें लमसम टैक्स को ही कंसीडर किया गया है, प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं लिया है। तो एजम्पशन हमने ले ली है, क्या एजम्पशन है? कि देर इज लमसम टैक्स इन द इकोनॉमी, देर इज लमसम टैक्स इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में लमसम टैक्स है, इसी को हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो लमसम टैक्स कंसीडर करेंगे तो ये दिस कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी विद इन ब्रेसिस वाई माइनस टी प्लस आई बार प्लस सी बार, यू नो, और यू कैन राइट वाई इक्वल्स सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी प्लस आई बार प्लस जी बार। अब टैक्स भी यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी चीज का फंक्शन नहीं है, यानी कि टैक्स जो लमसम टैक्स है वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड कर रहा है, वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, कि गवर्नमेंट चाहे तो लमसम टैक्स को बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। तो इसको भी अ सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमियस वेरिएबल ही हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी वाई माइनस सी वाई इक्वल्स सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार, यू नो, दिस कैन बी रिटन एज, और वाई वाई इज कॉमन, देन वन माइनस सी
एंड दिस वुड बी सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार, और फर्दर दिस कैन बी रिटन एज, यू कैन राइट इट लाइक दिस, वाई इक्वल्स सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार डिवाइडेड बाय, दिस इज स्मॉल सी बार यू नो, डिवाइडेड बाय वन माइनस सी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर के जितने भी वेरिएबल्स हैं, ऊपर के जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स, दे ऑल आर ऑटोनोमियस वेरिएबल्स, दे ऑल आर ऑटोनोमियस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ये ऑटोनोमियस वेरिएबल्स हैं, यानी कि इनमें चेंज ये किसी भी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करते। जैसे कंजम्पशन है, ये ऑटोनॉमियस कंजम्पशन है, ये ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट है, ये ऑटोनॉमियस गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ये ऑटोनॉमियस टैक्सेस है। मींस दे डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल इन दिस मॉडल। इस मॉडल में ये किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ना तो इनकम पर डिपेंड करें ना किसी चीज पर। इनकी अपनी एक्सक्लूसिव एक वैल्यू होगी विच इज बीइंग डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो डिसाइड करेंगे, इसीलिए इसको ऑटोनॉमियस माना जाता है। तो वाई इज इक्वल्स टू हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ऑटोनॉमियस एक्सपेंडिचर इन सारे को, वेयर ए बार इक्वल्स सी बार प्लस आई बार माइ प्लस जी बार माइनस सी टी बार। ये हमने मान लिया, तो ए बार अपॉन में वन माइनस सी, और y इक्वल्स, अब देखो, अब मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लायर का मतलब होता है चेंज इन ऑटोनोमियस वेरिएबल विद, और चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ऑटोनोमियस वेरिएबल, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी वन माइनस सी, वन अपॉन में वन माइनस सी। ये जो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा वन अपॉन में वन माइनस सी। तो ये हमारा हो गया ऑटोनॉमियस मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर व्हाई इट इज ऑटोनॉमियस, बिकॉज अ चेंज इन ऑटोनॉमियस एक्सपेंडिचर इज कॉजिंग अ चेंज इन द इनकम। कि ऑटोनॉमियस एक्सपेंडिचर में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आया। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये ग्राफिकली हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ द कर्व फॉर दिस। लेट मी ड्रॉ इट हियर ओनली, ड्रॉ इट हियर ओनली, सो शेप्स वाइज। Suppose this is y over here, this is sorry, this is aggregate expenditure on this side, and this is aggregate expenditure on this side, this is y over here, and let's suppose this is a 45 degree line. This is a 45 degree line at which y equals aggregate expenditure. Now suppose the aggregate expenditure at this particular level initially is this much, you know. This is the aggregate expenditure, AE0 level. So this is the equilibrium point, E0, and this is the equilibrium level of income, Y0 initially, and this is the aggregate expenditure. This is something called AE0. This is aggregate expenditure. Now let's suppose aggregate expenditure किसी amount से बढ़ गया, ठीक है? अब aggregate expenditure amount से बढ़ा तो ये curve
पैरेलल शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड्स, पैरेलल आ गया ये AE1, यू नो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1, ये इनकम लेवल आ गया न्यू इनकम लेवल Y1, और दिस इज द न्यू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेवल AE1। नाउ सी, अब इनकम में कितना चेंज आया है, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज द चेंज इन इनकम, दिस इज द डेल्टा वाई, दैट मीन्स दिस डेल्टा वाई वुड बी इक्वल्स टू Y1 माइनस Y, कि न्यू इनकम लेवल एंड द इनिशियल इनकम लेवल और द अर्लियर इनकम लेवल, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द इनिशियल इनकम लेवल फ्रॉम द न्यू इनकम लेवल, यू नो। और सिमिलरली यू कैन हैव, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो डेल्टा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सॉरी, ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर। अब ये जो डेल्टा है ये किसकी वजह से आया है, ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर की वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि डेल्टा में जो हमने पूरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऊपर दिखा रखा है, इस पूरे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में ये सारे के सारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो हैं, ये ऑटोनोमियस के ही पार्ट है, ये ऑटोनोमियस स्पेंडिंग के ही पार्ट है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये पूरा ऑटोनोमियस स्पेंडिंग का ही पार्ट है, तो इसलिए ये देखो ये ऑटोनोमियस। तो ये जो चेंज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हुआ है, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें हमने कोई और पार्ट नहीं लिया है, हमने वही पार्ट लिया है जो ऑटोनोमियस है, वही कंपोज करता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, एक तरह से AE1 माइनस AE बार 0, यू नो। तो ये चेंज इन इनकम, कि ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आने से इनकम में जितना चेंज आया, दैट इज बीइंग सजेस्टेड बाय द मल्टीप्लायर, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, कोई डाउट, कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड किसी ने, स्टूडेंट्स? अरे भाई, आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है, स्टूडेंट्स? आई एम आस्किंग टू यू। हेलो, सर एक बार क्विकली दोबारा बता दीजिए। हाँ, क्या बताना है क्विकली दोबारा, तुम थे नहीं क्या यहाँ पर क्लास में? नहीं, थे सर। हाँ, फिर क्या पूछना चाह रहे, सवाल क्या है तुम्हारा, बताओ, जो तुम्हें समझ नहीं आया उसको दोबारा बताते हैं। स्टार्टिंग से थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। कहाँ से कंफ्यूजन लग रहा था, कौन सी स्टार्ट से? ये मल्टीप्लायर इफेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ था। देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें मेजर करना है, कि मल्टीप्लायर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो हमने इफेक्ट को जानने के लिए हमने क्या कहा कि भाई इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, कि किसी वेरिएबल में चेंज होगा तो उसके कारण इनकम में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो अब जैसे यस मान लीजिए हमें, हम पहले यहां थे, तो ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेड कलर से लिखा हुआ है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये किसके बराबर है, C+I+G के बराबर है, यस और नो? हेलो, यस सर। ठीक है ना, इसमें अगर हम इसको और इलेबोरेट कर दूं, मैं यहां पर, मैं इसको यहां पे इलेबोरेट करता हूं, अगर मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को और इलेबोरेट कर दूं, तो ये हो गया C⁻ⁿ C ⁓ YD, ठीक है, प्लस I⁻ⁿ G⁻ⁿ, यही है। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को और इलेबोरेट करूं तो सर ये इक्वेशन जैसे C+I+G है उसको यहाँ जो इस फॉर्म में लिखे सी बिल्कुल बार प्लस DYD, सिंपल, हाँ, इसको, हाँ बोलो, ये कन्फ्यूजन, ये मतलब कैसे कन्वर्ट हुआ? ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये कैसे आया यहां पर। यस सर। ये देखो, इधर मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है उसको आप तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो टोटल खर्चा किसी भी इकोनॉमी में हुआ है उस खर्च को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या तो कोई भी इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी में या तो हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करेगा, यानी कि घर परिवार के लोग खर्च करेंगे, यस और नो? हेलो, यस सर। तो घर परिवार के लोग या हाउस होल्ड खर्च करेगा तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही, या तो फिर फॉर्म्स खर्च करेंगी, यस और नो? जो बिजनेस हाउसेज है, फॉर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, यस और नो? हेलो, यस सर, ये समझ में आ गया था। इसके मतलब इस एक मिनट सुनते जाइए, अब पहले जब
हाउस होल्ड करेंगे खर्च तो उसको सी कहेंगे, फर्म्स करेगी तो उसको हम आई कहेंगे, और तीसरा गवर्नमेंट खर्च कर सकती है पैसा सड़क बनाने पर, हॉस्पिटल्स बनाने पर, मेडिकल पर, एजुकेशन पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट करेगी उसको जी कहेंगे। किसी क्लोज्ड इकोनॉमी में सब जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उनको हम इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस, यस सर, ठीक है, इतना समझ में आया है? यस सर, हेलो, तो इसीलिए हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को इन तीन हिस्सों में लिख दिया। ठीक है, अब सवाल है ये तीन हिस्से ये कैसे बने? अब ये क्वेश्चन होगा ना आपका। यस सर, ठीक है, तो इसका जवाब सुनो जरा ध्यान से कि जो कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन को, जो टोटल कंजम्पशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सी बार प्लस सी वाई डी, जो कि ये होती है ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ऑटोनोमियस कंजम्पशन, अब ये मैंने आपको क्यों नहीं बताया, सवाल ये है शुरू में क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर में पूरी की पूरी मैक्रो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, और मेरे से ही पढ़ी है आपने, और उसमें मैंने बड़े डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये थोड़ा बेसिक सा था कि मुझे लगा कि आप लोगों को याद होगा, बट आप लोगों को याद नहीं है, इसका मतलब आप लोगों ने बुक्स खोल के नहीं देखी और इसको ध्यान रखा है। ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन पार्ट है, जो ये है स्मॉल सी, ये एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और ये जो वाईडी है, ये जो वाईडी है, ये वाईडी है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ये मैं लास्ट क्लास जो भी हमारी हुई थी उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस। यू नो, टैक्स पे करने के बाद जो भी इनकम हमारे पास रहती है उसे हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसे हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। इज दैट ओके? हेलो, यस सर, तो जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, तो सी की जगह मैंने ये कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है। इज दैट ओके? यस सर, और इन्वेस्टमेंट को मैंने ऑटोनोमियस ही लिया है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और मॉडल को सिंपल रखने के लिए, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मैंने जी ही लिखा है, जी बार करके, इस वजह से ये इस तरह से आया है, इसीलिए हमने ये इसको ऐसे ही लिखा है। तो अब जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हो गए ना, एक ये हो गया सी विद इन ब्रेसिस वाई माइनस टी प्लस आई बार प्लस जी बार, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू हो गया सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू हो गया सी बार माइनस सी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी इंटू वाई। अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखो ध्यान से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इस इक्वेशन को देखो, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये इनकम से चेंज नहीं हो रही, ये कोई भी वेरिएबल से चेंज नहीं हो रही, ये चेंज होगा पार्ट जब लोगों के खुद के, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम के जो खर्च हम कर रहे हैं, कि इनकम लेवल कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट इतना होगा, इनकम लेवल कुछ भी हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इतनी होगी, इनकम लेवल कुछ भी हो टैक्स इतना पे करना पड़ेगा, यही तो लमसम टैक्स होता है, इनकम लेवल कुछ भी हो कंजम्पशन इतनी होगी हमारी, इतना कंज्यूम हम करेंगे ही करेंगे। अब ये जो पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है एक्सपेंडिचर का, ये एक्सपेंडिचर का वो हिस्सा जो इनकम लेवल पर डिपेंड करता है, अगर इनकम लेवल बढ़ेगी तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, दिस पार्ट ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन इनकम लेवल, तो इसको हम ऑटोनोमियस नहीं बोल सकते हैं,
ठीक है, इस पार्ट को हम ऑटोनोमियस नहीं बोल सकते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के ये दो पार्ट है। तो जब हमने ये यहाँ चेंज किया, जब हमने कहा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ से बढ़कर यहाँ गया, तो इसका मतलब हम सिर्फ इस पार्ट में चेंज की बात कर रहे हैं, इसमें चेंज की बात कर रहे हैं, इसमें चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। डिड यू गेट इट? हेलो, यस सर, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लायर को चेक किया कि भाई मल्टीप्लायर बढ़ा या घटा या मल्टीप्लायर क्या हुआ, तो हमने ये देखा कि ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर पहले यहां था, अब वो बढ़ के यहाँ आ गया। तो क्योंकि ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर में चेंज आया है, तो उसके कारण इनकम में ये इतना चेंज आया है। इज दैट ओके? ये मल्टीप्लायर यस सर, है। अब कोई सवाल है तो पूछो, कोई डाउट है तो। क्लियर है सर। किसी और स्टूडेंट ने कुछ पूछना है? यस स्टूडेंट्स, क्या आप में से किसी ने कुछ पूछना है? नो सर, इट्स क्लियर। एनीबडी एल्स? आरती जैन, संदीप यादव, सौरभ वर्मा, अजय रमानी, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? प्रेरणा मनोचा, विशाल आनंद, आशिमा गांधी? यस, लेट मी हियर इट फ्रॉम योर साइड। अब क्लियर है सर। नो सर, नो आर सर, नो सर। बलराज, आर बलराज, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? सौरभ वर्मा, शशांक मुंदोतिया? यस, मृदुल तलवार, मुस्तफिजुर रहमान, मनन चुग, मनीष कुमार, किरण यादव, किरण के एम वी, आई डोंट नो, किरण, नो हितेश, डू यू वॉन्ट टू सर, आस्क एनीथिंग? यस स्टूडेंट्स, नो ऑल क्लियर? सर, शैल वी प्रोसीड नाउ? यस सर, ओके देन, नाउ लुक एट दिस पॉइंट। यू नो, अब ये थोड़ा सा हमें आगे और समझना है। अब मान लीजिए वी हैव ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर एज, अब इसको मैं ऐसे करता हूं, देखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, लेट्स दिस वे। नाउ द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इज समथिंग कॉल्ड, मल्टीप्लायर इज समथिंग कॉल्ड समथिंग लाइक दिस। सो मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ए ई बार, विच इज वन अपॉन में वन माइनस सी, एम आई राइट? ये हमने मल्टीप्लायर बोला। अब ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर क्या है? एज वी हैव सीन, ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर इज सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार, एम आई राइट और नॉट? यस, हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर के ये कंपोनेंट्स हैं, तो ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर के जो मल्टीप्लायर है वो भी हम इतने ही मल्टीप्लायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तीन तरह के मल्टीप्लायर्स वो बन जाएंगे, कि एक है पार्ट इन्वेस्टमेंट का। तो इसका मतलब अगर ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जो इनकम में चेंज आएगा, तो उसको बोल देंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसे हम लोग क्या बोल देंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज होने से इनकम में जो चेंज आएगा, उसको बोल देंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। और जो टैक्स में चेंज आने से, लमसम टैक्स में चेंज आने से इनकम में जो चेंज आएगा, उसको बोल देंगे टैक्स मल्टीप्लायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर, ठीक है। इसको आप इस तरह से देखिए कि हमारे पास तीन चीजें हैं। आई बार है, जी बार है और टी बार है। टी बार में चेंज आएगा और ये इधर है ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर। आई बार में चेंज आएगा तो भी ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर चेंज होगा।
अगर आई बार में चेंज आएगा तो भी ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, जी में चेंज आएगा तो भी ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, टी में चेंज आएगा तो भी ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, और ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा तो इनकम में चेंज आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो स्टूडेंट, यस सर, समझ में आ रहा है कि इनमें चेंज आएगा तो इनमें चेंज, इसमें चेंज आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल कॉज चेंज इन ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, चेंज इन ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, एंड दैट चेंज इन ऑटोनोमिक एक्सपेंडिचर कॉजेज अ चेंज इन इनकम एंड दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ऐसे ही चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल चेंज कॉज अ चेंज इन ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, दिस विल कॉज अ चेंज इन इनकम एंड दिस विल बी गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, चेंज इन टैक्सेस, टैक्स रेट विल कॉज अ चेंज इन ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर एंड दिस विल कॉज अ चेंज इन इनकम, दिस इज नोन एज टैक्स मल्टीप्लायर। ये रूट है, किस रूट से वो अफेक्ट करेगा, ठीक है, पर जब भी हम किसी एक मल्टीप्लायर को करेंगे तो बाकी सबको हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे, जब भी हम किसी एक मल्टीप्लायर को चेक करेंगे तो बाकी सबको हम क्या मानकर चलेंगे, कांस्टेंट मानकर चलेंगे। इज दैट ओके? हेलो, यस सर, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी तरह का? समझ में आया? तो चलिए अब हम मल्टीप्लायर को डिराइव करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या आएगा, टैक्स मल्टीप्लायर क्या आएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या आएगा। इज दैट ओके? हाँ, लुक एट दिस, वी हैव दिस इक्वेशन दैट वाई इक्वल्स सी बार माइनस सी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। एम आई राइट? हेलो यस स्टूडेंट्स, सर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दिस कैन बी रिटन एज वाई इक्वल्स सी बार अपॉन में 1 माइनस सी माइनस सी टी बार अपॉन में 1 माइनस सी प्लस आई बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। एम आई राइट? हेलो, एम आई राइट स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात यस समझ आ सर, रही है? नाउ लेट अस सी दैट। अब अगर मुझे टैक्स में चेंज के कारण, टैक्स में चेंज के कारण इनकम में कितना चेंज आया है, या टैक्स लमसम टैक्स में चेंज के कारण इनकम में कितना चेंज आएगा, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है मैथमेटिक्स 12th क्लास तक? यस, सर पढ़ा है सभी ने पढ़ा है। तो उसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, कैलकुलस। कैलकुलस में आप दो चीजें पढ़ते हो, एक पढ़ते हो डेरिवेटिव्स और दूसरा पढ़ते हो इंटीग्रल्स। एम आई राइट? यस हेलो, सर, यस तो सर, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, तो डेरिवेटिव्स क्या निकालते हैं, चेंज इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर, यस और नो? यस हेलो, सर, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टैक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टैक्स इज इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, सी अप माइनस सी अपॉन में 1 माइनस सी। एम आई राइट? यस यही सर, बचेगा ना, इसका डिफरेंशिएशन टी की रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यही बचेगा ना सिर्फ, क्योंकि ये सारे तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट मान लेते हैं हम। जो डेरिवेटिव्स का रूल है कि एडिटिव टर्म्स विल कैंसिल आउट, है ना, विल बी एलिमिनेटेड, एंड अगर मल्टीप्लिकेटिव टर्म होती है तो वो रिमेन कर जाती है एज इट इज। यस और नो? हेलो, यस सर, ठीक है, ये डेरिवेटिव का रूल है।
तो ये आ गया यहां पर, तो ये हमारा आ गया टैक्स मल्टीप्लायर, दिस इज आर टैक्स मल्टीप्लायर, इज दैट ओके? हेलो हेलो, ओके सर, ठीक है। अब इस टैक्स मल्टीप्लायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी बार इज इक्वल्स टू है माइनस एमपीसी अपॉन में वन माइनस एमपीसी, और इसको वैसे भी लिख सकते हैं माइनस एमपीसी अपॉन में एमपीएस। रीजन क्या है, बिकॉज एमपीएस इज इक्वल्स टू होता है वन माइनस एमपीसी, ये 12th क्लास में आपको सिखाया जाता है कि वन में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अगर माइनस कर दें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास आ जाता है, यानी कि जितना परसेंट आप कंज्यूम कर रहे हो तो बाकी का सेव कर रहे हो। सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट, कि जो आपने खर्च नहीं की वो बच गई, वो सेविंग्स हो गई आपकी, एम आई राइट? हेलो, यस सर, ठीक है। तो हम टैक्स मल्टीप्लायर को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये टैक्स मल्टीप्लायर हो गया, टैक्स मल्टीप्लायर। तो जब आप अपनी रीडिंग्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है, एग्जाम में भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, यू हैव टू आंसर ईदर वेज। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ वी नो दैट वी हैव वाई इक्वल्स सी बार अपॉन में वन माइनस सी, माइनस सी टी बार अपॉन में वन माइनस सी, प्लस आई बार अपॉन में वन माइनस सी, प्लस जी बार अपॉन में वन माइनस सी। अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, वन अपॉन में वन माइनस सी, ये मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया। मल्टीप्लायर आ गया, इज दैट ओके? हेलो हेलो, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई बार इज इक्वल्स टू वन अपॉन में वन माइनस एमपीसी या वन अपॉन में एमपीएस, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूं, सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूं फर्दर कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी बार, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन में वन माइनस सी, ये देख लो ऊपर। अगर इस इक्वेशन को जी बार की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, तो वन अपॉन में वन माइनस सी रह जाएगा मेरे पास। दिस इज नथिंग बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, इसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कहते हैं। और मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी बार या डेल्टा जी सिंपली इज इक्वल्स टू वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी और वन अपॉन में एम पी एस, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, यस ऑर नो? तो ये तीन तरह के मल्टीप्लायर हो गए, कौन कौन से, टैक्स मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। अब एक मल्टीप्लायर और होता है, जैसे इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? यस, जो no, ये डिस्कशन किया किसी भी स्टूडेंट्स ने, यस yes? कोई भी स्टूडेंट हो जिसको कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो, हाँ जी हेलो, नो क्वेश्चंस, सो इन दैट केस लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब एक कंसेप्ट है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, एक होता है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। अब बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या होता है, व्हेन जी इज इक्वल्स टू टी, कि जो भी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, ये टैक्स रेवेन्यू है, कि गवर्नमेंट का जो भी टैक्स रेवेन्यू है
जब वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बराबर है, यानी कि गवर्नमेंट अपना जो खर्च कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है, वो उतना ही कर रही है जितना उसके पास इनकम है, यानी कि जितनी उसके पास एज अ टैक्स कलेक्शन हुई है, क्योंकि टैक्सेस आर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो टैक्सेस के थ्रू ही होती है। तो जितना भी गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिला है, उस टैक्स रेवेन्यू से जो भी इनकम गवर्नमेंट को मिली है, जितनी भी इनकम गवर्नमेंट को मिली है, तो वो पूरी की पूरी अगर स्पेंड करती है, उतना ही अगर खर्च करती है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट में क्या होता है, जितनी टैक्स है उतना ही गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, या आप कह सकते हो कि चेंज इन टैक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि टैक्स में जितना चेंज आया है उतने ही रुपए से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी चेंज हो गई। मतलब जितना टैक्स बढ़ा है उतना ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाए उतने ही अमाउंट से, या जितना टैक्स कम हुआ है उतने ही अमाउंट से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट। एम आई राइट? हेलो यस सर, स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस उसको हम लोग सर, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बजट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी तरह का? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, नहीं सर, क्लियर है। ठीक है? अब ध्यान से देखते हैं कि बैलेंस्ड बजट काम कैसे करता है, उसके बाद फिर इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। पहले हम इसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे बैलेंस बजट का। दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दिस इज वाई एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज 45, लेट मी ट्राई, शुड लुक लाइक 45। स्ट्रॉ सपोज दिस इज अ 45 डिग्री लाइन, y is equals to aggregate expenditure. This means at each point of this aggregate expenditure, income equals expenditure. Economy is in इसके हर पॉइंट। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग कैसे होगी, ये टैक्स मल्टीप्लायर्स हैं या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, वर्क कैसे करेगा, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू सी। Enable select this. Yes. जो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, तो सपोज करो शुरू में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेवल ये था। अब जब ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेवल था AE0, तो उस टाइम टैक्स का लेवल है सपोज करो T0 और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का लेवल है G0। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, ये समझ में आया है? E0 पॉइंट पर और ये Y0 इनकम लेवल हो, ये इनकम लेवल हो गया Y0। क्या ये इतनी बात समझ में आई है? सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट या इनिशियल सिचुएशन, ठीक है? अब अगर टैक्स इंक्रीज करेगा, यानी कि टैक्स रेट अगर बढ़ जाएगा, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा या बढ़ेगा? यस, गिव मी द आंसर स्टूडेंट्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, टैक्स को T0 से बढ़ाकर T1 कर देती है, यानी कि 100 रुपए से बढ़ाकर 150 कर देती है या 200 कर देती है, तो टैक्स के बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा या बढ़ेगा? यस, सर बढ़ेगा। बढ़ेगा।
कौन कौन बढ़ेगा कह रहा है भाई, चलो सब होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा या कम कम होगा? होगा सर क्या? प्रेरणा इज सेइंग कम होगा, लालू इज सेइंग बढ़ेगा। लालू बढ़ेगा कैसे? सर टैक्स बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यही ना? हाँ, ओके मिनट, टैक्स के बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या घटेगा ये बताओ। सर मुझे 1 मिनट चाहिए। हाँ 1 मिनट ले लो फटाफट, बताइए। सर अगर टैक्स बढ़ेगा तो इनकम कम होगा, तो एग्रीगेट एक्सपेंड मतलब इनकम कम होगा तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा ठीक है ना, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, या? यस सर, वो गलती समझ आ गई? यस सर। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये अभी मैंने ऊपर इक्वेशन बनाई थी, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की थी ना इक्वेशन, ये इक्वेशन थी ना कि एग्रीगेट यस सर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सी बार माइनस सी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी इंटू आई, यही थी ना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो टैक्स बढ़ेगा तो इसके साथ नेगेटिव साइन है ना, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा, ऑब्वियस बात है। आगे बात समझ में? यस सर, ठीक यस सर, है, ठीक है। इस इक्वेशन से भी हम बता सकते हैं देखकर कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा, वो ये रहा पार्ट। ठीक है, चलिए। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि टैक्स बढ़ गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो गया। सपोज करो टैक्स बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होकर ये नीचे आ गया, यहाँ पर ये आ गया AE1, AE1 यहाँ पर टैक्स हो गया T1, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उतनी है G0, अभी तक गवर्नमेंट ने पैसा खर्च नहीं किया है। तो मींस एक्चुअल में क्या हुआ कि सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T0, ठीक है, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T0, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1 और इनकम लेवल हो गया Y1, यानी कि इनकम घट गई यहां से, ऊपर से ये नीचे आ गई, यहां से ये इनकम यहां चली गई। ठीक है भाई, हेलो। पहले टैक्स मल्टीप्लायर ने काम किया, अब गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म में पैसा ज्यादा कलेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि T1 ग्रेटर देन है T0 से, हेलो, T1 ग्रेटर देन है T0 से, तो यानी कि डेल्टा T जो होगा वो पॉजिटिव है भाई, T1 में से T0 घटाओगे तो पॉजिटिव डेल्टा T आएगा ना, हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, ठीक है। तो अब पॉजिटिव डेल्टा T आया तो यहां से गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करना शुरू किया, जब गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करना शुरू किया तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर काम करेगा, और गवर्नमेंट के पैसा खर्च करने पर जो एक्सपेंडिचर हुआ वो ये यहां पर पहुंच गया, फिर AE2, जहां पर टैक्स अमाउंट है T1 और गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया G1, सच दैट G1 इज ग्रेटर देन G0, G1 ग्रेटर देन है 0, जहां पर डेल्टा G पॉजिटिव है ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, तो यानी कि नया इनकम लेवल हो गया ये E2 फाइनल, तो इनकम लेवल हो गया ये Y1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहले काम की यानी कि यहां से यहां तक हम चले गए, यानी कि पहले काम करेगा टैक्स मल्टीप्लायर इकोनॉमी में, टैक्स मल्टीप्लायर करेगा यहां पर इनकम को घटाएगा, फिर क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर काम करेगा इनकम फिर बढ़ना शुरू होगी और वो यहां तक बढ़कर जाएगी, एम आई राइट? हेलो हेलो यस सर, स्टूडेंट, समझ में आया? इस तरह से टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर दोनों काम करते हैं, ये हमने ग्राफिकली देखा। अब इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं कि एल्जेब्रिकली हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का हमसे हमारा मतलब क्या है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर से हमारा
मतलब क्या, लेट्स ड्रॉ द फिगर, यू नो, लेट्स ड्रॉ द इक्वेशन. तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल चेंज इन इनकम, अब मेरी बात ध्यान से समझना, टोटल चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू होगा किसके बराबर, इज इक्वल्स टू होगा किसके बराबर, चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ टैक्स. या सुनो कि भाई एक्चुअल टोटल चेंज इन इनकम कितना होगा, कि चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ टैक्स. या सुनो, हेलो हेलो, यस सर. ठीक है, तो अगर इसको मैं देखूं, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू होगा चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ टैक्सेस. एम आई राइट? आई कैन राइट इट लाइक दिस. इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एल्जेब्रिकली या सिंबॉलिकली. इज दैट ओके? यस सर. ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं. तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो क्या होगा. अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी इज इक्वल टू है वन अपॉन में वन माइनस सी, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो गया वन अपॉन में वन माइनस सी इंटू में डेल्टा जी. एम आई राइट? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है. yes. तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डेल्टा वाई बिकॉज ऑफ जी की जगह, यानी कि चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी डिवाइडेड बाय वन माइनस सी प्लस विद इन ब्रेसिस ये डेल्टा टी. तो डेल्टा टी क्या था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू द माइनस सी अपॉन में वन माइनस सी, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू था माइनस सी इंटू में डेल्टा टी अपॉन में वन माइनस सी. इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ टैक्सेस, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया यहां पर माइनस सी इंटू में डेल्टा टी अपॉन में वन माइनस सी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो सो प्लीज डू रिप्लाई व्हेन आई आस्क. ओके, मुझे ये एहसास रहना चाहिए कि यू ऑल आर देयर इन द क्लास. सो वी कैन राइट इट डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन में वन माइनस सी माइनस सी इंटू में डेल्टा टी अपॉन में वन माइनस सी, और दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एलसीएम इज वन माइनस सी विद इन ब्रेसिस डेल्टा जी माइनस सी इंटू डेल्टा टी. अब डेल्टा जी को मैं डेल्टा टी की तरह लिख सकता हूं, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जी माइनस सी इंटू डेल्टा जी अपॉन में वन माइनस सी. अब मैंने डेल्टा टी की जगह डेल्टा जी को सब्सटीट्यूट कर दिया. क्यों कर दिया? बिकॉज व्हेन बजट इज बैलेंस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी. अगर बजट बैलेंस्ड होता है तो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज इन इनकम के बराबर होती है. यस और नो? यस सर. ठीक है ना, तो इसलिए मैंने डेल्टा टी की जगह डेल्टा जी लिख दिया, और डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जी कॉमन ले लें तो ये आ गया वन माइनस सी अपॉन में वन माइनस सी इंटू में डेल्टा जी, और दिस कैन बी रिटन एज फर्दर, दिस कैन बी रिटन एज, लेट मी राइट इट डाउनवर्ड्स, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जी बिकॉज दिस दीज टर्म्स विल कैंसिल आउट, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वन. ठीक है, देयरफॉर बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज वन.
एम आई राइट कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा, इज दैट ओके? हेलो यस सर। सर ये कोई तो हमने पहले ही मान लिया कि मतलब बराबर है डेल्टा वाई डेल्टा जी के इक्वल है, तभी तो वहां हमने उसको रिप्लेस किया था। हाँ हाँ तो मतलब फिर तो लास्ट में वही निकला सेम चीज, तो मतलब वही मान के वही निकाले सर। नहीं नहीं वही मान के वही नहीं निकाले हैं, हमने वही माना उसको प्रूव किया है कि अगर हम वो वन मानते हैं तो क्या आंसर आता है, मल्टीप्लायर का क्या आंसर आता है। हमने ये माना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट टैक्सेस के बराबर है ना। हमने एज्यूम किया कि जब बैलेंस बजट होता है तो गवर्नमेंट टैक्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, टैक्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बराबर होता है, यस नो? हमने ये माना, ये मानकर हमने फिर ये प्रूव किया कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू वन आएगी, ये हमने प्रूव किया। दोनों अलग बातें हैं, यस सर। ठीक है? क्योंकि जब हमने डेल्टा जी और डेल्टा टी को बराबर माना तो हमने ये नहीं कहा, देखो अब ध्यान से समझो, कंफ्यूजन कहां हो सकती थी। जैसे मान लो आप कह रहे हो हमने डेल्टा टी और डेल्टा जी को बराबर मान लिया, तो इसका मतलब हो गया कि टैक्स मल्टीप्लायर बराबर हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर के, यही मतलब हो गया ना। हेलो, यानी कि यहां मैं जी की जगह डेल्टा टी पुट कर सकता हूं, यहां मैं टी की जगह डेल्टा जी पुट कर सकता हूं, यस और नो? हेलो सर, इक्वल है तो कर ही सकते हैं। नहीं, पर ये इक्वल होंगे नहीं ना, क्योंकि यहां जब डेल्टा टी पुट करूंगा तो वन अपॉन में वन माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पुट करूंगा तो माइनस सी अपॉन में वन माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो ये चीज अलग है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस का, टैक्सेस में जो चेंज है वो सेम हो जाना एक अलग बात है, और वो सेम हो जाने के बाद जो इकोनॉमी का मल्टीप्लायर है वो कैसे काम करेगा वो एक दूसरी बात है। इज दैट ओके? यस सर। तो हमने पहले माना कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स दोनों बराबर है, हमने ये यहां ये एज्यूम किया एक तरीके से, और हमने प्रूव किया कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स अगर किसी इकोनॉमी में बराबर होते हैं तो जो मल्टीप्लायर आएगा उसका नाम होगा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, और उसकी वैल्यू हमेशा वन रहेगी, ये हमने प्रूव किया। डिड यू गेट इट? यस आई गॉट इट। तो ये दोनों अलग बात है, एक ही बात नहीं है, ऐसा नहीं है उसको मानकर उसी को लिख दिया फिर से। इससे रिलेटेड कोई डाउट कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, आपने से किसी ने कुछ पूछना है? यस, कुछ पूछना आप में से किसी ने? ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जिनको अब हम समझेंगे बजट से ही रिलेटेड, इस चैप्टर से ही रिलेटेड। पहली है ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर, ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर क्या होते हैं? कि these are the revenue and expenditure items in the government budget, in the government budget that automatically changes with the state of the economy
economy in such a way as to stabilize GDP or you can say income. कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होते हैं? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहलाते हैं वो सारे आइटम्स गवर्नमेंट के बजट में जिनमें चेंज होने से जो इकोनॉमी की जो भी परिस्थिति होती है, यानी कि जिनमें ऑटोमेटिकली जो भी इकोनॉमी की स्टेट है, जैसे इकोनॉमी अगर एक्सपेंड कर रही है तो उसमें जो बदलाव आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उससे बदलाव आएगा, तो उसमें चेंज आता है, तो इन इन आइटम्स में भी चेंज आता है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज आ जाता है और जिसके कारण इनकम और जीडीपी क्या होते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं. ठीक है, कैसे हो जाते हैं, लेट अस सी दैट. एक मिनट का खेल, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या है, लेट अस रिपीट दिस थिंग. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या है कि दीज आर द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आइटम्स इन द गवर्नमेंट बजट दैट ऑटोमेटिकली चेंजेस विद द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन सच अ वे एज टू स्टेबलाइज जीडीपी और इनकम. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, और रिसेशन आता है तो टैक्स रेट जो है वो तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट इनकम लेवल कम होने लग जाता है. तो इनकम लेवल कम होगा तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, यानी कि टैक्स रेवेन्यू क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, बट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने लग जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने लग जाएगी. टैक्स घटने लग जाएगा रिसेशन के टाइम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि टैक्स घटेगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा देगी. ठीक है ना, तो इकोनॉमी जो होती है वो स्टेबलाइज्ड रहती है, यानी कि एक तरीके से ठहराव सा बना रहता है कि जितना टैक्सेस के रिसेशन के आने से टैक्स रेवेन्यू घटा है, सरकार उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देती है लोगों को स्टिमुलेट करने के लिए कि रिसेशन दूर हो और वो खर्चा बढ़ाए. तो एक तरीके से टैक्स रेवेन्यू क्या इसका काम कर रहा है, स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है, इकोनॉमी को इन्फ्लेशनरी ट्रैक पे नहीं छोड़ रहा है. ठीक है, और जिस टाइम क्या कहते हैं कि रिकवरी टेंडेंसीज होती हैं, यानी कि इसके अपोजिट जब इकोनॉमी एक्सपेंड करती है एक्सपेंडिंग सिचुएशन में, तो टैक्स रेट उस टाइम भी सेम रहता है, पर टैक्स रेट बढ़ता है जिसके कारण टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, बट टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है बट जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो कम होती है. क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट को, या मान लीजिए अदर तरह के बेनिफिट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती जिससे कि इकोनॉमी को और फ्यूलिंग मिले. तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में टैक्स जो है वो स्टेबलाइजर का काम करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टेबलाइजर का काम करती है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर. कि ये जो चेंजेस होते हैं इसमें गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली ऐसे होने लग जाता है इकोनॉमी सिचुएशन के हिसाब से. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस हेलो. नो सर. सर जैसे अभी ये है कि अभी रिसेशन, मतलब ये अभी इकोनॉमिक वीक है, तो जैसे गवर्नमेंट उधार लेती है पैसे बहुत ज्यादा, तो फिर इसको मतलब बाद में कैसे पे करेगी, क्योंकि होता है कि बजट हमेशा कम का ही मतलब ज्यादा का ही बनाया जाता है, जितना इनकम होता है उससे ज्यादा का ही बनाया जाता है, तो हर एक साल तो ये बढ़ता जाएगा कर्ज. तो ये कम कैसे होगा सर? देखो, अब इसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं कि सबसे पहला है कि गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर रही है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स को रीपे कैसे करेगी, यही सवाल है ना आपका? यस सर. है ना, अब इसमें हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी लालू प्रसाद.
पहली चीज ये है कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स की, पर वो किस पर्पस के लिए की, ये हम आगे जो चैप्टर आएंगे वैसे उनमें पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी अगर तुमने अभी सवाल पूछा है तो उस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स की तो वो किसके लिए की। तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स दो चीजों के लिए कर सकती है, दो तरह से। सपोज करो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, बोरोइंग्स कर ली। अब बोरोइंग्स करके गवर्नमेंट उसको दो तरह से खर्च कर सकती है, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकती है, कि गवर्नमेंट ने सबको सब्सिडीज देनी शुरू कर दी, सबको फ्री मेडिकल, फ्री हेल्थ, एवरीथिंग जो गवर्नमेंट है, ओल्ड एज पेंशन देना शुरू कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना शुरू कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे जो अगर बोरोइंग्स करके ये सारे जो खर्च किए जा रहे हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से जो रिटर्न्स होती है वो तो जीरो रिटर्न्स होती है, गवर्नमेंट को कुछ मिलना नहीं है, कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता, ये कोई प्रोडक्टिव स्पेंडिंग नहीं कहलाती है, ये कहलाती है अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स की है इन्वेस्टमेंट के लिए और उसको यूज करती है एज एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मान लीजिए रोड्स के कंस्ट्रक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ट्रेड सेक्टर को, ठीक है, चाहे डोमेस्टिक है चाहे इंटरनेशनल है, ट्रेड सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करती है तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इनकम बढ़ती है। तो इनकम बढ़ती है तो जो इनकम बढ़ती है उससे टैक्स पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ती है लोगों की, टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होता है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है उसी से गवर्नमेंट उसको रीपे करेगी क्योंकि यहां से रिटर्न मिल रही है। तो अब सवाल यही है कि अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करके उसको अगर कंजम्पशन स्पेंडिंग की फॉर्म में खर्च करना है, यानी कि इस तरह के अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर खर्च कर देना है जिनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, यानी कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स होंगी वो एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट करेंगी इकोनॉमी को लॉन्ग रन में, क्योंकि उससे कोई रिटर्न आना नहीं है और गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज हो जाना है, तो कर्ज कैसे उतारेगी गवर्नमेंट, हमारे और आप लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ाएगी जिससे उसको कलेक्शन होगी जिससे वो रीपे करेगी, दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। यस सर। कोई और सवाल? नो सर। ठीक है, अब ये था ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, अब इसी तरह का होता है ऑटोमेटिक डीस्टेबलाइजर। एक टर्म होती है ऑटोमेटिक डीस्टेबलाइजर। अब ऑटोमेटिक डीस्टेबलाइजर क्या कहलाता है, दीज आर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स इन द गवर्नमेंट बजट दैट automatically change with the state of the economy in such a way as to destabilize GDP or income। यानी कि ये वो चीजें होती हैं जो
रेवेन्यू गवर्नमेंट बजट के पार्ट की वो आइटम्स रेवेन्यू भी हो सकती है आइटम्स या एक्सपेंडिचर आइटम्स भी हो सकती हैं, जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है इकोनॉमी की स्टेट चेंज होने के साथ साथ, और जो इस तरह से चेंज होती है कि इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करती है। जैसे अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जिसके कारण क्या होगा कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि महंगा हो जाएगी चीजें, महंगी हो जाएंगी तो गवर्नमेंट को DA, TA ये सब चीजें ज्यादा देनी पड़ेगी पब्लिक को, ओल्ड एज पेंशन बढ़ाकर देनी पड़ेगी क्योंकि उसको इन्फ्लेशनरी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा एक्सपेंशन के टाइम पर। तो जो इन्फ्लेशन है एक तरीके का, इन्फ्लेशन को हम ऑटोमेटिक डिस्टेबलाइजर बोलते हैं। इन्फ्लेशन एक एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक डिस्टेबलाइजर का। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि इससे टैक्स रेवेन्यू में तो चेंज होगा नहीं, टैक्स रेवेन्यू तो वैसे ही रहेगा क्योंकि टैक्स रेट वही है, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी जो कि इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर देगी। ऊपर क्या हो रहा था स्टेबलाइजेशन में कि टैक्स बढ़ रहा था और गवर्नमेंट स्पेंडिंग घट रही थी, या टैक्स घट रहा था गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही थी, ये दोनों चीजों को बढ़ा देगी एक ही डायरेक्शन में। क्योंकि इन्फ्लेशन होने से प्रोड्यूसर्स के इनकम लेवल बढ़ेगा तो जो प्रोपोर्शनल टैक्स वो पे करते हैं वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी उधर से। हेलो हेलो यस सर, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा जो GDP या इनकम लेवल होगी वो डिस्टेबलाइज जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम से डिस्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये मतलब है ऑटोमेटिक डिस्टेबलाइजेशन का। ऐसी एक टर्म है फिस्कल ड्रैग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग क्या होता है कि इट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी दैट ऑकर्स व्हेन एवरेज टैक्स रेट्स इंक्रीजेस बिकॉज टैक्स पेयर्स हैव मूव्ड मूव्ड इनटू हायर इनकम ब्रैकेट्स। ड्यूरिंग एक्सपेंशन एक्सपेंशन कि जिस टाइम इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है उस टाइम क्या है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब जिन लोगों की उसमें इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा, कुछ लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगा कुछ का कम होगा, तो जिन लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा उन लोगों का क्या होगा, वो हायर टैक्स ब्रैकेट में चले जाएंगे। यानी कि जैसे अगर टैक्स स्लैब है कोई किसी इकोनॉमी का, अगर टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब इस तरह का है, सपोज करो अप टू 5 लाख नील है टैक्स, ठीक है, फिर 5 लाख 1000 से 10 लाख तक है, सपोज करो 10% टैक्स है, फिर 10 लाख से 15 लाख तक है, सपोज करो 20%। तो जो आदमी पहले सपोज करो नील 5 लाख तक की इनकम थी, इन्फ्लेशन में उसकी 5,50,000 इनकम होगी सपोज करो, तो पहले तो वो जीरो टैक्स पे कर रहा था, यहां पर आकर उसे 10% पे करना पड़ जाएगा, और जो यहां पर था वो अगर इस ब्रैकेट में मूव कर गया तो उसे 20% पे करना पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं फिस्कल ड्रैग, कि क्योंकि एक्सपेंड कर रही है इकोनॉमी और इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन जो है वो क्या है, हायर टैक्स इनकम में पहुंच गया है, हायर टैक्स इनकम पे पहुंच गया है, इसलिए हायर टैक्स
यानी कि हायर इनकम ब्रैकेट में पहुंच गया, इसलिए उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल ड्रैग। क्या मेरी बात समझ में आई है? हेलो, यस सर। ठीक है, कोई डाउट, कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? आप में से किसी ने कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? हेलो, हेलो। सर बोलिए। सर कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नहीं है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब एक टर्म होती है फुल एम्प्लॉयमेंट बजट। अब सिंपल है, इसके नाम से ही पता चलता है। फुल एम्प्लॉयमेंट बजट मींस द गवर्नमेंट बजट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सिंपल सी बात है कि जिस टाइम इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो, उस टाइम जो बजट होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट कहलाएगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट बजट से इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म है स्ट्रक्चरल डेफिसिट। कि जो भी डेफिसिट है, द डेफिसिट दैट रिमेन्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट कि जो डेफिसिट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होता है उसको हम स्ट्रक्चरल डेफिसिट कहते हैं। कि जो डेफिसिट फुल एम्प्लॉयमेंट पर होता है उसको हम स्ट्रक्चरल डेफिसिट कहते हैं। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। ठीक है, इसी तरह आता है साइक्लिक डेफिसिट। नेक्स्ट टर्म है साइक्लिक डेफिसिट। साइक्लिक डेफिसिट क्या होता है? द डेफिसिट दैट ऑकर्स, ये भी जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, ऑकर्स बिकॉज ऑफ डाउनटर्न इन द बिजनेस साइकिल। कि भाई वो डेफिशिएट जो बिजनेस साइकिल, जैसे कई बार रिसेशन होता है, कई बार इन्फ्लेशन होता है, तो जब इकोनॉमी जो डेफिशिएट ऑकर्स बिकॉज ऑफ डाउनटर्न इन द बिजनेस साइकिल, डाउनटर्न का मतलब है जब रिसेशन की तरफ जाती है इकोनॉमी, उस टाइम जो डेफिशिएट होता है तो उसको हम साइक्लिक डेफिशिएट बोलते हैं। साइक्लिकल डेफिशिएट उसको हम बोलते हैं। सॉरी, दैट इज द साइक्लिकल डेफिशिएट। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी का था। इसमें कोई डाउट है, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग स्टूडेंट्स? हेलो, नो सर। ठीक है, तो ओके देन, थैंक यू वेरी मच।